दोस्तों, जिस्म की भूख बड़ी ही दुखदायी होती है। जब आपका मन इस पर काबू नहीं रहता है तो कई बार बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। इस जिस्म की भूख के चलते रिश्ते नाते भी बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना बिहार के चंपारण में घटी है, जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। चलिए इस कहानी को विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, यहाँ नीतू नाम की लड़की का विवाह शंभू नाम के लड़के से हुई थी। सब कुछ परिवार में सही चल रहा था। महिला ने इस बीच दो बच्चों को जन्म दिया। अब शादी के 15 साल बीत चुके थे, लेकिन महिला की जवानी इस समय भी उफान मारती थी। पति ज्यादातर अपने कामों में व्यस्त रहता था, इसलिए वह अपने पत्नी को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। समय के साथ पत्नी को ज्यादा मजा नहीं मिल रहा था, इसलिए महिला परेशान सी रहने लगी। अब महिला ने अपने हवस को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाया, जिसमें वे कामयाब भी हो गई। पति के चचेरे भाई को अपने प्यार के जाल ने फंसा लिया। वह 22 साल का एकदम जवान और तंदुरुस्त लड़का था। पति के बाहर जाने के बाद महिला ने उसे घर बुला लिया और वह भी बिना देरी करे आ गया। महिला के बच्चे भी स्कूल में गए थे, जिससे देवर के साथ पूरा एंजॉय किया। अब ये अपने देवर के साथ पूरा मजा लेने लगी। देवर को भी भाभी के साथ बहुत मजा आ रहा था। वह भी तुरंत बुलाने पर पहुंच जाता था, लेकिन वह इस चीज को भूल गया था कि 5 मिनट के मजा का क्या सजा होता है। देवर भाभी के साथ ऐसे ही हर रोज मजा लेता रहा। जब वह बुलाती तो देवर दौड़ा चला आता। ये सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता रहा, लेकिन अब भाभी से उसका भी मन भर चुका था। लेकिन भाभी की भूख अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वह उसे फोन कर बार बार बुलाती थी, लेकिन वह आने के लिए इधर उधर का बहाना बना लेता था। लेकिन वह भाभी के साथ करना नहीं चाहता था। भाभी के जोर जबरदस्ती करने से वह तंग आ गया और एक दिन भाभी के यहाँ गुस्से में पहुँचता है तो देखा कि भाभी अकेले बैठे थी और तुरंत रस्सी से गले को घोटकर मार देता है और वहाँ से भाग गया। जब स्कूल से बच्चे वापस घर को आए तो उन्होंने मम्मी की लाश को देखा और वह चीखने चिल्लाने लगे। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर तुरंत हत्याकांड के तहकीकात करना शुरू कर दिया। गांव के एक युवक ने बताया कि शंभू का चचेरा भाई घर से निकला था। पुलिस ने उसे बुलाया और थाने ले जाकर पूछना शुरू कर दिया, लेकिन वो बताने के लिए आनाकानी करता रहा। जब पुलिस ने 2 डंडे लगाए तो पूरा सच्चाई को बता दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। तो देखा दोस्तों, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, इसलिए आप लोग सावधान रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। धन्यवाद।